नमस्कार, शुभ संध्या। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जागरण मंच में, जहां हम सभी लोग प्रतिदिन हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट्स के संदर्भ में चर्चा परिचर्चा करते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि CRPC 1973 के सेक्शन 125 अर्थात मेंटेनेंस और मुस्लिम महिला तलाक के बाद संरक्षण अधिनियम की धारा 3 और 4 के अंतर्गत जो प्रावधान है उसके संदर्भ में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो विचार व्यक्त किया है उसके संदर्भ में आज चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हों तो आप अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जो मेरा चैनल बनाने का लक्ष्य है वो पूरा हो सके और अधिक से अधिक लोगों तक विधि की जो जानकारी है, जो लीगल अपडेट्स है, वो पहुंचती रहे। आइए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय से संदर्भित है, जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के परिक्षेत्र में एक जनपद आता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का ये मामला था जहाँ पर यह विवाद उठा था कि क्या जो मुस्लिम महिला है वो इद्दत की अवधि को क्रॉस करने के बाद भी क्या अपने पति से भरण पोषण की अधिकारिणी है या नहीं। तो उक्त मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने राय रखते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि हमारे पास इसके लिए 2 प्रेसिडेंट्स यानी कि पूर्व निर्णय उपलब्ध हैं। एक जो है वो स्वयं इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ही है और दूसरा माननीय उच्चतम न्यायालय का है, जिसमें इसके संदर्भ में पहले ही चर्चा की गई है और पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं, और कोर्ट का ये मानना था कि उसी निर्देश को लागू करना ही न्याय की दृष्टि से उचित होगा। जिसमें पहला मामला था सबीना बानो वर्सेस इमरान खान, जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय से संबंधित मामला था, जिसमें यही बात बताई गई थी और उसमें 5 जो है वो मेजर पॉइंट्स दिए गए थे, जिसको लेकर के इद्दत की अवधि के बाद भी मुस्लिम महिला अपने पति से तब तक मेंटेनेंस प्राप्त करने की अधिकारिणी है जब तक कि वह पुनर्विवाह नहीं कर लेती है, दोबारा से शादी नहीं कर लेती है। और ऐसे ही आपको याद होगा एक बहुत ही चर्चित मामला था डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जो कि मेंटेनेंस के लिए और सेक्शन 125 और धारा 3-4 मुस्लिम महिलाओं का तलाक के बाद संरक्षण अधिनियम को लेकर के एक गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, जिसमें यह कहा गया था कि जब तक मुस्लिम महिला शादी नहीं कर लेती है, या मुस्लिम महिला नहीं, उन्होंने कहा था कि कोई भी महिला जब तक पुनर्विवाह नहीं कर लेती है तब तक उसे अपने पति से मेंटेनेंस प्राप्त करने का अधिकार है, क्योंकि जो सेक्शन 125 CRPC है वह एक उपचारात्मक प्रावधान करता है, वह महिलाओं की स्थिति को ठीक करने के लिए बनाया गया है। इसलिए जब तक कि महिला किसी दूसरे पुरुष के साथ व्यवस्थित होकर के अपना व्यवस्थित जीवन यापन नहीं करने लगती है, तब तक उस पुरुष का दायित्व है जिस पुरुष ने उसको विवाह के उपरांत छोड़ा है कि वह उसका भरण पोषण करे। और साथ ही साथ, जैसा कि मैं एक पिछले वीडियो में भी यह भी बता चुका हूँ कि केवल पति ही नहीं, पत्नी का भी यह दायित्व माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित कर दिया है कि अगर किसी कारणवश पति की जॉब चली जाती है और पत्नी जॉब में है तो वह अपनी पत्नी से मेंटेनेंस का दावा कर सकता है। तो यह जानकारी थी, और इस मामले में भी फिर माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उन दोनों मामलों को ध्यान में रखते हुए उसी को वापस लागू किया जाएगा। और चूंकि पहले ही जो मुस्लिम महिलाओं का तलाक के बाद संरक्षण अधिनियम है उसकी धारा 3 और 4 के अंतर्गत इद्दत की अवधि पूर्ण होने के उपरांत भी मेंटेनेंस का प्रावधान है, इसलिए 125 उन्होंने कहा कि इसमें लागू नहीं होगी। लेकिन जहाँ 125 की बात आएगी तो 125 में भी यह प्रावधान है कि अगर 125 में अगर कोई मुस्लिम महिला मेंटेनेंस क्लेम करती है तो उसे इद्दत की अवधि के बाद भी मेंटेनेंस प्राप्त होगा जब तक कि वह पुनर्विवाह नहीं कर लेती है। तो यह था आज का वीडियो, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक डायरेक्शन से संदर्भित था। आशा है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ होगा, और अगर आपके यहाँ या आपके संपर्क में ऐसी कोई समस्या होंगी तो उनको इस मामले से लाभ हो, ऐसी हमारी आशा है। मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।